इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया टीवी, वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ सिमरन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पुनावाला ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन सुरक्षा और प्रभावकारिता दिखाने वाली कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स को WHO ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। अदार पुनावाला ने इस सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए WHO को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, ये अभी तक COVID-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक और मील का पत्थर है। कोवोवैक्स को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल गई है। नोवैक्स SII की कोवोवैक्स को कुछ समय पहले इंडोनेशिया और फिलीपींस में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी। इसके बाद WHO से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एक और बड़ी सफलता मिल गई है। इससे पहले केंद्र सरकार ने COVID-19 को वैक्सीन कोवैक्स की 5 करोड़ डोज के निर्यात की अनुमति दी थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोनेशिया को कोवैक्स के 5 करोड़ डोज के बराबर 50 लाख शीशियों का निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों पर कोवैक्स टीके के परीक्षण की मंजूरी दी थी और SIISO बच्चों पर इसका ट्रायल कर चुकी है, जिसका डेटा DCGI को दे दिया गया था। वहीं कोवैक्स को WHO से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने की खबर ऐसे समय में सामने आई है जब देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 11 राज्यों से ओमिक्रॉन के 101 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सभी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ये था आप सबका अपडेट। लगातार हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी, वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।